हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पानी की समस्या को लेकर मोहल्ले वासियों ने मटकी फोड़ किया विरोध प्रदर्शन। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि पिछले कई महीनों से समय पर पानी व प्रेशर नहीं होने के चलते पर्याप्त पानी नहीं भरा जा रहा। संबंधित विभाग को कई बार शिकायत करने के बावजूद नहीं हो रहा समस्या का समाधान। भीषण गर्मी में पानी की समस्याओं को लेकर मोहल्ले वासी परेशान। वार्ड नंबर 5 रेलवे स्टेशन भटवाड़ा का मामला एक और, जहां पर भीषण गर्मी के चलते बिजली विभाग द्वारा अनावश्यक रूप से बिजली की कटौती हो रही है, तो वहीं आवश्यक पानी की समस्या के चलते मोहल्ले वासियों को परेशानी हो रही है। ऐसा ही नजारा वार्ड नंबर 5 रेलवे स्टेशन भटवाड़ा में देखने को मिला, जहां मोहल्ले वासियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मटकी फोड़कर संबंधित विभाग व पार्षद के खिलाफ नाराजगी जताई। पूर्व पार्षद श्याम बंजारा ने बताया कि पिछले कई महीनों से ये समस्या से हम जूझ रहे हैं। समय पर पानी व निश्चित समय से भी कम समय में पानी दिया जाता है, आता भी है तो प्रेशर नहीं होने के चलते आवश्यक पानी भी नहीं भरा जाता। कई बार इसकी सूचना हमने संबंधित विभाग को भी की, लेकिन आज दिन तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। स्थानीय निवासी सरोज देवी ने कहा कि हम महिलाओं को पानी की सख्त जरूरत होती है और इसके बिना कोई काम नहीं होता। पिछले कई समय से पानी समय पर नहीं आता है, और आता भी है तो कहीं रात को 3 बजे या भरी दोपहर में 4 बजे देते हैं। ऐसे हालात में कैसे पानी भरा जाए, और कभी आधा घंटा तो कभी 1 घंटा पानी आता है, उसमें भी प्रेशर नहीं होता। और अगर मशीन से पानी भरा जाए तो बिजली विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। जल्दी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हमें आंदोलन का रूप लेना पड़ेगा। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए श्याम बंजारा पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 5 इन्होंने ये कहा। पिछले 5-6 महीने से पानी की समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है। हमारे जो बैकफुट एरिया है, गरीब एरिया है, जिनके मोटरें नहीं है, उनके घर तक पानी की सप्लाई नहीं हो पाती है। और हमने हमारे स्थानीय पार्षद सुखे कंवर को बुलाया, उन्होंने अधिकारी को बुलाया, और अधिकारी कम से कम 4-5 बार आकर, शोभा जी आके गए, उससे बड़े अधिकारी आके गए, वहाँ लैंड चेक करके गए कि आपकी लैंड चेक करा देंगे, बाकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पानी की जो समस्या है वो लगातार जो जो गर्मी पड़ी दिनों दिन समस्या गंभीर हो रही है, और मजबूरन आज हमें ये आंदोलन करना पड़ा है। और अगला आंदोलन हम कलेक्टर के आगे करेंगे, और जलदाय विभाग के सामने यही आंदोलन कर बड़ी चेतावनी दे रहे हैं कि हमारी पानी की समस्या जल्दी से समाधान किया जाए। पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, 5 दिन ले गया है, बार बार मशीन चालू करो, लेटर भी नहीं आवे, फालतू रन पानी बिल्कुल नहीं आवे। 5 मिनट आ रहे, 5 मिनट पास बंद रहे, आधा घंटा पास चालू रहे। अब कल 11 बजे तक वो बैठे रहे पानी वास्ते, बाहर देखिए 11 बजे तक बिल्कुल नहीं आया पानी। मतलब आज मैं कहीं के लिए बजाय करो मोटर बंद करने ले गया, लेट में भी तो वाटर बॉक्स वाले क्या कह रहे हैं? वाटर बॉक्स वाले कहो कि बार थोड़ी देर खोल लो, आई थी कि थोड़ी देर खोल लो, भाई झूठ बोल रहे, वापस जा आप रहे बेटा, कोई भूत रहा है, कोई छाटो है, जा रहे हैं पानी कटू ला रहे कटू हाली के मर गली में भी आ रही हो, आज वहां काम से ले गया हमने तो बिल्कुल। आप क्या चाहते हो? जागरूक टीवी के लिए पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट।